दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में सोमवार से ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स खोलने की मंजूरी दी गई है। फिलहाल स्कूल्स के ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल को ही खोला जा सकेगा। इसमें एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकेगी। राज्य सरकार ने कहा कि स्कूल्स और शैक्षिक संस्थानों के ऑडिटोरियम असेंबली हॉल्स को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया है। दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा और थिएटर इस हफ्ते भी नहीं खुलेंगे। साथ ही अभी मेट्रो बसों में 50% सीटिंग कैपेसिटी का नियम लागू रहेगा। मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। DDMA ने फैसला किया है कि अभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स का प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन केवल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए ही इनका प्रयोग हो सकेगा। साथ ही एक शर्त ये भी है कि ऑडिटोरियम के सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से केवल 50% जगह का ही प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा बाकी जगह के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स अभी शुरू नहीं होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी स्विमिंग पूल्स, सिनेमा, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स को भी मंजूरी नहीं मिलेगी। मेट्रो और DTC बसों में भी 50% सीटिंग कैपेसिटी का नियम जारी रहेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।